बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज़ और आपने बहन भाई रहना हमारे साथ साथ। तो माशाल्लाह जी, हमने नाश्ता वगैरह बच्चों को सबको बना के दे दिया और बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। तो जो काम होता है रूटीन का, फिर काम करने लग रहे हैं अपने, झाड़ू बर्तन, और फिर उसके बाद फिर मैंने धोने कपड़े, क्योंकि आज धूप भी हल्की हल्की निकली हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अब मैंने कठिन टाइम मैंने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, फिर ज़्यादा धूप पड़ेगी फिर गर्मी लगेगी फिर कपड़े नहीं धुलते। तो मैं भी बटवे कहते खाला जी, मैं भी फटाफट काम कर लेती हूँ, मेरे भी कपड़े हैं फिर मैं भी बाद में धो लेती हूँ, क्योंकि हम हाथ से धो लेते हैं कपड़े, बस मशीन नहीं लगाते। फिर मशीन का यह है, पहले पानी डालो, फिर सर्फ डालो, फिर निकालो, फिर बस इसे बस दो तीन छोटे बंद हाथ से बंद धो के फारिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने मशीन लेके बैठना है, फिर मैं कपड़े वगैरह जो मेरे रह गए थे धोरे वो मुकम्मल करने हैं। मैंने आपकी छोटी सिस्टर का सूट भी सीना है मैंने, तो वो भी मैं सीती हूँ। तो मुनीब के पापा भी काम पे भी नहीं गए हैं, क्योंकि मिस्त्री भाई लोग भी आएंगे, फिर जाएंगे उनके साथ। तो सफाई वगैरह आप सारी कर लो, बर्तन इकट्ठे करके इकट्ठे धो लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने ना कपड़े धोने हैं, ठीक है। और आपके भी मम्मा कभी तंदूर मुकम्मल नहीं होया ये? अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता होएगा। हाँ, वो क्या आपकी मम्मा कह रही है ना, इस तरह भी ना एक एक बार देंगी, पहले बाजी ने यहाँ से छोटा सा बार करा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह इनके कर रही हैं। तो जैसे ये फिर मुकम्मल हो जाएगा, फिर मुझे लग रहा ना उस साइड पे मुझे लग रहा तंदूर लगाएंगी, और कहती मैं चूल्हा भी बनाऊंगी मैं। माशाल्लाह जी, दोपहर का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे जी बाजी फातिमा जी आ गई हैं चूल्हे पे, अपना जी मच्छी वगैरह फ्राई कर रही हैं, क्योंकि बाजी फातिमा कहती है मैं मच्छी फ्राई करके डालती हूँ, क्योंकि जो स्माइल वगैरह होती है ना मच्छी की, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं प्याज में ब्राउन करते हैं, हाँ जी, तो बनाते इस तरह से इस तरह करते हैं, हाँ जी, हमारे सही है। पहले मैंने इसको अच्छी तरह आटे से धोई है, अच्छा, और फिर से मैंने जरा पानी खुश्क हो गया, अच्छा, उसको नमक लगाया, नमक, अच्छा, लगा के फिर मैंने घी में फ्राई की करके फिर उसको मैं, हाँ जी, घी में जैसे फ्राई हो जाएगी, फिर मसाला वगैरह वहाँ पे बना के रख दिया, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, टमाटर भी है, और प्याज भी काट के रख दिए हैं, हाँ जी, और यानी कि भी सारा मसाला वगैरह रेडी करा हुआ है, मैंने यहाँ पे तल लिया, हाँ जी, ये तल के रखी हुई है यहाँ पे। माशाल्लाह कलर भी हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन कलर अच्छा लग रहा है। और ये कढ़ाई ले लेते हैं ना भाजी? कढ़ाई नहीं है ना, वो रुपया सिस्टर की उठा लेते हैं, ठीक है। चलो जी, आप अच्छी तरह ये फ्राई वगैरह कर लो, आटा वगैरह गूंदना है? हाँ जी, वो आटा भी गूंदना है, रोटी बनानी है, रोटी जाएगी। हाँ जी, मैं सोच रही भी आटा वगैरह गूंद लेती हूँ फिर ना, जिन्हें के भी ना तो मैं भी रोटी बना लेती, हाँ जी, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही है, अच्छा, इसलिए मैंने कहा चलो सालन बना देती हूँ। सही है, ठीक है। माशाल्लाह जी, दोपहर का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे जी बाजी फातिमा जी आ गई हैं चूल्हे पे, अपना जी मच्छी वगैरह फ्राई कर रही हैं, क्योंकि बाजी फातिमा कहती है मैं मच्छी फ्राई करके डालती हूँ, क्योंकि जो स्माइल वगैरह होती है ना मच्छी की, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं प्याज में ब्राउन करते हैं, हाँ जी, तो बनाते इस तरह, हमारे अब्बू भी इस तरह करते हैं, हाँ जी, हमारे अब्बू करते हैं, हम देखते हैं, सही है। पहले मैंने इसको अच्छी तरह आटे से धोई है, अच्छा, धो के और फिर से मैंने जरा पानी खुश्क हो गया, अच्छा, उसको नमक लगाया, नमक, अच्छा, लगा के फिर मैंने घी में फ्राई की करके फिर उसको मैं, हाँ जी, घी में जैसे फ्राई हो जाएगी, फिर मसाला वगैरह वहाँ पे बना के रख दिया, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, टमाटर भी है, और प्याज भी काट के रख दिए हैं, हाँ जी, और यानी कि भी सारा मसाला वगैरह रेडी करा हुआ है, मैंने यहाँ पे तल लिया, हाँ जी, ये तल के रखी हुई है यहाँ पे। माशाल्लाह कलर भी हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन कलर अच्छा लग रहा है। और ये कढ़ाई ले लेते हैं ना भाजी? कढ़ाई नहीं है ना, वो रुपया सिस्टर की उठा लेते हैं, ये क्या है, सही है, ठीक है। चलो जी, आप अच्छी तरह ये फ्राई वगैरह कर लो, आटा वगैरह गूंदना है? हाँ जी, वो आटा भी गूंदना है, रोटी बनानी है, रोटी जाएगी। हाँ जी, मैं सोच रही भी आटा वगैरह गूंद लेती हूँ फिर ना, जिन्हें के भी ना तो मैं भी, हाँ जी, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही है, अच्छा, इसलिए मैंने कहा चलो सालन बना देती हूँ। सही है,
ठीक है माशाल्लाह। यहाँ पे जब बारी पात मैंने अच्छी तरह बुनाई कर लिया, मसाले की दही वगैरह भी डाल दिए, सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं। तो अब जी आ बारी आ गई मछली डालने की। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी। ये बड़ी शाम का भी आपने यही करना है? अच्छा, अब का भी हो जाएगा और यानी कि शाम का भी हो जाएगा। सही है, इसमें ना बड़े प्यार से चमचा मारो, ये बड़ी नाजुक चीज़ है और आग भी तेज़ हो रही है थोड़ी सी ज़्यादा। कम कर दो, पानी डाल दो ना, ताकि फटिया, ये फटिया आपको पता है ना फिर आग ज़्यादा तेज़ कर लेती हैं। अच्छा सही है। छुरी मैं भी बेटा को छुरी दे तो छुरी मांगने लग रही है। तो चलो आप डालो राम बिस्मिल्लाह करके, पानी कम तो नहीं है? माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। इसमें ना बाद में ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना ताकि ना पानी ले जाना और कम। चलो मैं ला के देती हूँ, बाल्टी आप दे दो। नहीं घुलती नहीं, बर्फ जमी हुई थी ना फ्रिज में से निकाल के मैंने। हाँ जी हाँ जी, वो बर्फ वाली वैसे ही घुल जाती है। सही, वैसे तो हम धोते हैं आलू अम्बली जो होते हैं ना उसके अंदर धोते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलती। अच्छा, तो मैंने इसलिए दही मंगवा ली थी, दही। सही है, दही का ये होता है जायका अच्छा हो जाता है दही से। हाँ जी, अब पानी इसमें थोड़ा कम है ना? हाँ जी पानी कम है क्योंकि माशाल्लाह काफी फैमिली है। हाँ जी हाँ जी, तो फिर मिस्त्रियों के पास भी रुक जी जाएगी। हाँ जी, अपने घर के भी, घर के माशाल्लाह बच्चे हैं, बड़े हैं, सारे हैं। मैं भी बेटा ने पानी भी ला दिया माशाल्लाह। बस ये तो शोरबा ही बड़ा जबरदस्त होता है, कहते हैं ना बुखार बुखार होता है, बीमार होता है। और सर्दियों में तो, सर्दियों में तो आपको पता ही चीज़ ज़्यादा बेस्ट है ये, क्योंकि एक सर्दी होती है, गर्म गर्म चीज़ खाते हैं तो जो बीमारियाँ वगैरह होती हैं खांसी नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाते हैं। गर्मियों में ज़रा ये गर्म है बस। सही है,